और बड़ी खबर यह है, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जी न्यूज ने निर्णायक अभियान शुरू किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप इस समय निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। अगर आप जरा सी लापरवाही बरतते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं, फाइजर और बायोटेक ने वैक्सीन के लिए आवेदन भेजा है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने और बायोटेक ने एक आवेदन भेजा है वैक्सीन के लिए। स्वीकृति के बाद वैक्सीन का जो बांटना है वो शुरू हो जाएगा। दिसंबर 11 या 12 तारीख को मिल सकती है वैक्सीन। ये बहुत बड़ी खबर है। फाइजर और बायोटेक ने ये आवेदन किया है कि अमेरिका के लोगों को जल्द मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन, और आवेदन के जरिए ये स्वीकृति की बात कही गई है। अगर दिसंबर 11 या 12 तारीख को मिल सकती है वैक्सीन, ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर एक तरफ जो जंग देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, उसी के साथ ही राहत देने वाली खबर है, फाइजर और बायोटेक ने वैक्सीन के लिए आवेदन किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.